हेलो एवरीवन माय सेल्फ डॉक्टर मोनिका महेश्वरी सीनियर कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिट एंड ऑबसेट्रेशन एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन एट अमनदीप मेडिसिटी हॉस्पिटल अमृतसर टुडे विल टॉक टॉक अबाउट रिपीटेड मिसकैरेजेस और रिकरेंट अबॉर्शन इसका मतलब होता है कि अगर किसी फीमेल के थ्री अबॉर्शन या उससे ज्यादा अबॉर्शन हो रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं रिकरेंट एबॉर्शंस इट कैन बीव टू टाइप्स प्राइमरी और सेकेंडरी प्राइमरी मीन्स कि पहले कोई उसकी कोई लाइफ प्रेगनेंसी नहीं है सेकेंडरी मीन्स कि पहले उसके कोई एक लाइव बेबी है उसके बाद उसको रि एनी फीम एंड अगर पहले के होता है तो सेकेंड एबॉर्शन के लिए तो अगर पहले किसी के दो एबॉर्शन हुए हैं तो इंसिडेंस इंक्रीज टू ट्वेंटी फोर थर्डॉर्शन तो ऐसे uh, रिस्क बढ़ जाता है एबॉशन फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट थर्टीन वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में हो रहा है तो उसमें काफ़ी हद तक कॉजे जेनेटिक होते हैं यानी कि मदर और फादर के जीन्स में कुछ प्रॉब्लम uh, uh, हो गई है कॉम्बिनेशन में इसकी वजह से फीटस ग्रो नहीं कर पाता देन देर कैन बी द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स लाइक अनकंट्रोल डायबिटीज थायरॉयड पी सी ओ एस प्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स और हार्मोनल इम्बैलेंस उसकी वजह से हो सकता है देन देन कैन बी द इमोलॉजिकल कॉजेस जैसे कि मदर के अंदर बेसिकली बच्चा एज अ फॉरन बॉडी एक्ट करता है और उसके अंदर एंटीबॉडीज बन जाते हैं जिसकी वजह से बच्चा ग्रो नहीं कर पाता या फिर एक होता है एप्ला सिंड्रोम जिसमें मदर के ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट बन जाते हैं जैसे जो ब्लड बेबी को जाता है उसके अंदर थ्रोम्बोसिस क्लॉट्स बनने की वजह से प्रॉपर फ्लो नहीं होता बट बेबी ग्रो नहीं कर पाता अंदर कहीं भी सर्टेन इन्फेक्शन ऑफ द फीटर्स वायरल इन्फेक्शन लाइक टॉक्सोप्लाजमा रूबेला सी एम वी हर्पीज जिसकी वजह से आ, भी इबॉशंस होने के रिस्क बढ़ जाता है इन मेनी केसिस द कॉज इज अनएक्सप्लेन हमें कोई कॉज डायग्नोज नहीं कर पाते हैं देन इज द सेकेंड ट्राइमेस्टर इबॉशंस मतलब कि अगर 13 वीक्स और 20 वीक्स के बीच में अबॉर्शन होता है तो उसमें मोस्ट कॉमन कॉजेज एनेटमिकल एबनॉमिलिटीज ऑफ द यूट्रस जैसे कि यूट्रस में अगर यूनिकॉर्नेट यूट्रस है बाइकॉर्नेट यूट्रस है सेपरेट यूट्रस है तो उसमें हो सकता है या फिर अंदर एडहेशंस है फाइब्रॉयड है पॉलिप है या सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है जिसकी वजह से कि जो यूट्रस का जो माउथ सर्विक्स होता है वो लूज़ हो जाता है विद एडवांस प्रेगनेंसी और उसमें मिड ट्राइमेस्टर बीच के फोर्थ मंथ पे एबॉर्शंस होने का रिस्क बढ़ जाता है देर कैन बी सर्टेन मेडिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि किडनी डिजीज है एस है अनकंट्रोल डायबिटीज़ है उसके बाद इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेट कैन ऑलसो कॉल सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉशंस देन देर कैन दी अपल सिंड्रोम पैनल इट इज इम्यर्जिकल डिसऑर्डर्स जिसकी वजह से भी एबॉशन हो सकते हैं तो हाउ टू प्रोसीड फॉर इन सच केसेस यूजली चाहिए कि ऐसी आ, कपल को दे शुड कंसर्न इन ऑब्सिट्रेशन बिफोर ट्राइंग फॉर द नेक्स्ट प्रेगनेंसी बिकॉज वी हैव टू गेट सम इन्वेस्टिगेशन डन एंड द प्रॉपर एग्जामिनेशन कई बार एग्जामिनेशन करने से ही हमें लोकल एबनॉमिलिटी मिल जाती है इन्वेस्टिगेशन कराते हैं एक तो रूटीन ब्लड एग्जामिनेशन जैसे कि

पिक कर सके डायग्नोस कर सके और उसको टाइमली फीट कर सके एंड प्रोग्नोसिस प्रोग्नोसिस इस इज गुड अगर आप टाइमली ट्रीटमेंट कराते हो तो सेकेंड एबॉर्शन के चांसेस काफी कम हो जाते हैं बेसिकली यू नीड टू री द कपल कि ऐसा नहीं है कि एक बार एबॉर्शन के बाद सेकेंड एबॉर्शन रिस्क बहुत ज्यादा है दो अगर हाँ टाइमली अगर आप रूटीन चेकअप करा लेते हो अपना प्रॉब्लम ऐसे पिक हो जाती है जिसका हम ट्रीट कर सकते हैं तो इट्स बेटर एंड ऑल्सो लाइक टू से अगर किसी को ये डायबिटीज या किडनी प्रॉब्लम थायराइड प्रॉब्लम ऐसे कुछ है तो उसको अगर हम पहले से ही वेल कंट्रोल कर लें तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी इज ऑलवेज मोस्ट कॉमनली इट इज़ अन इवेंटफुल। सो यू नीड एक्चुअली टू कंसर्न एन ऑब्सट्रेशन इफ यू हैव एनी प्रीवियस एबारशन्स और मिस कैरेजिज सो डेट कि आपकी नेक्स्ट प्रेग्नेंसी में ऐसा कोई इवेंट ना हो थैंक यू